गुड एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ आज मंदिर में, और वहाँ पे थोड़ा सा एक भंडारा और कीर्तन का प्रोग्राम है, तो हम लोग फिलहाल वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे शायद थोड़ी बहुत होली खेली जाए, तो बस फिलहाल अभी वहीं के लिए निकलते हैं और वहीं से मैं लवी को भी ले लूँगी। तो फिलहाल चलते हैं मंदिर। तो हम लोग फिलहाल आ चुके हैं मंदिर, आप देख सकते हैं मैं पारस आए हैं। लवी की अभी छुट्टी नहीं हुई, बाद में उसको ले लेंगे, बट अभी हम लोग आ गए मंदिर। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, और अभी की तो बहुत अच्छा लगा मंदिर जाकर, और होली की शुरुआत हो गई है। आज से ही होली की स्टार्टिंग हो गई है, और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और अभी सोसाइटी में भी है वो होली का फंक्शन, तो काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। तो ब्लॉग को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग भी। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं मंदिर से, और बस वहीं से लवी को भी पिक कर लिया था, और उसके बाद सब लोग आ गए हैं घर में। और पारस को भूख लगी है, अब सोना है उसको, क्योंकि काफ़ी थक गया है। और लवी को मैंने वॉशरूम भेजा है, क्योंकि आज उनके स्कूल में भी होली थी, तो बस काफ़ी इन्जॉय किया सब लोगों ने। तो मैं आ गई हूँ किचन में, पारस को नींद आ रही है, तो अब उसके लिए बना रही हूँ दूध। सो अगर जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी हो जाता है, और मेरा भी लगभग 11 या 12 o'clock काम हो जाता है। और आज तो मैं जल्दी उठी थी, यानी मैं समथिंग 7 या 8 o'clock के आसपास ही उठती हूँ, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना होता है तो ही मैं उठती हूँ जल्दी, नहीं मैं आराम से उठती हूँ। तो आज तो लवी का भी हाफ डे हो जाएगा, तो काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं आज हम लोग, और दिन भी बहुत अच्छा है, होली की भी शुरुआत हो गई है। तो लवी को फिलहाल हमारे जाना है नीचे, क्योंकि वो स्कूल में तो होली खेला ही खेला है, बट अब उसको नीचे खेलना है। वो कह रही मेरे सारे फ्रेंड्स लोग नीचे होली खेल रहे हैं, तो कह रही मम्मा जल्दी से मुझे चोकोस दे दो और उसके बाद मैं जाऊंगी नीचे। तो अभी वही वो कह रही है कि पारस को ले जा रही है, बट मैंने पारस को मना किया है, क्योंकि वैसे भी उसकी तबीयत डाउन है, तो इस वजह से मैंने उसको नीचे नहीं भेजा। बट लवी का मन पूरा है नीचे जाने के लिए अपने दोस्त के पास। तो फिलहाल जब तक बन रही है मैगी और लवी की जिद कर रही है हमारी चोकोस खाने के लिए, तो मैं उन लोगों को चोकोस भी दे रही हूँ, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा रखरा करते हैं, और खाना कह रहे हैं अभी बिल्कुल भी नहीं खाना है। अभी खाना है मैगी, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ मैगी। और भंडारे का मैंने वहीं पे थोड़ा सा प्रसाद ले लिया था, थोड़ा सा मैं लेके भी आ गई थी, तो उसको बाद में खाऊंगी, बट अभी बच्चों की डिमांड है मैगी की, तो फिलहाल बना रही हूँ मैं मैगी। और होली की शुरुआत तो हो चुकी है, आज हमारे सोसाइटी में भी होली की पार्टी है, और अभी मैं मंदिर गई थी, वहाँ भी कीर्तन वगैरह होली वगैरह खेली जाएगी, तो बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। और अभी तो मैं मंदिर से आई हूँ, वहाँ थोड़ी सी होली अटेंड करी और भंडारा वगैरह किया, और बहुत मज़ा आया। और अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि काफ़ी लोग बुला रहे हैं नीचे सोसाइटी में, जो पार्टी है छोटी सी, तो उसको भी अटेंड करूँगी अभी। और मैं आ गई हूँ नीचे, और एक्चुअली मेरे को कलर एक्चुअली पसंद भी नहीं है ज़्यादा, और वैसे भी फेस अभी मेरा ठीक हुआ है, तो मैं होली खेलना नहीं चाहती थी, बट यहाँ पे सब बुला रहे थे, तो बस थोड़ा सा आए, इनके साथ एंजॉय किया, और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे।
तो काम करने की शुरुआत करते हैं और बहुत सारा काम पड़ा है और ज़्यादा होली खेलने का मन नहीं था मेरा भी, बस मैं गई थी ऐसे ही क्योंकि मेरे फेस में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कि आज तो होली भी नहीं है, तो अभी फ़िलहाल आज के दिन तो फ़िलहाल नहीं खेलना मेरे को। और आ गई हूँ मैं फ़िलहाल ऊपर, और जितना सोच रही थी कि कलर ना पड़े और वो पड़ ही गया है सर में, और एक्चुअली आज ही सर वॉश किया था मैंने अपना और फिर से गंदा हो गया, कल फिर वॉश करना पड़ेगा, होली तक यही रहता है। और मुझे कलर्स एक्चुअली कम पसंद है और रंगों की होली फ़िलहाल बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है, बट ये है कि त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, सोचूंगी कि खेलूँ होली, क्योंकि मैं हर साल होली नहीं खेलती हूँ, तो कोशिश करूँगी कि खेलूँ, बट अभी तो मूड है नहीं है मेरा, घर में ही इंजॉय करने का मन करता है मेरा। तो अभी आ गई हूँ फ़िलहाल नीचे से ऊपर और अब लगा रही हूँ, क्योंकि सामान मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे फोल्ड करने के लिए, और एक्चुअली हम प्रयागराज गए थे तो कपड़े सारे ऐसे ही भर लिए थे हम लोगों ने नहा के, और वहाँ कपड़े ही वॉश नहीं किए। और यहाँ पे आई तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे वॉश करने के लिए, और मेरे हस्बैंड के भी बहुत सारे हैं, क्योंकि वो तो करते ही नहीं है, घर का काम तो बिल्कुल नहीं होता उनसे, तो इसलिए शायद मैं एक दिन के लिए गई, क्योंकि वो उनको थोड़ा बाहर का काम ज़्यादा रहता है, तो मैं खुद ही नहीं कहती उनको, तो बस वही कपड़े सारे वॉश हो गए हैं, तो बहुत सारे कपड़े थे जो फोल्ड करने रह गए थे, तो मैंने सोचा कि आज सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी, और नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले मंदिर में और फिर नीचे काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और रात में भी सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो सोचूंगी थोड़ा सा आराम करने का, बट अभी तो लग नहीं रहा है कि आराम करने को मिलेगा फ़िलहाल। और इस टाइम बच्चे दिख नहीं रहे होंगे आप लोगों को घर पे, क्योंकि पारस हमारा सो रहा है, और लवी की तो होली की पार्टी अभी भी चल रही है, वो नीचे अभी भी बहुत एंजॉय कर रही है बच्चों के साथ, तो बस आज का दिन हमारा ऐसे ही रहा और काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा था दिन आज का। सो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना खिलाने, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, रात भी हो रही है, तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय सभी लोगों को।